बुमराह का नंबर वन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जहां पर आप कोर्सेज कर सकते हैं जैसे DMLT, ANM, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन। हॉस्पिटल्स और लैब्स में होता है इंटर्नशिप। कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब असिस्टेंट। सारे कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मनपा और सत्ताधारियों की दोहरी नीति, मार्केट पर कार्रवाई के बाद भी हॉकरों को दी जा रही है रसीद और लिए जा रहे हैं पैसे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग एक सप्ताह हो चुका है गुलाब पार्क मार्केट और किस्मत कॉलोनी से कौसा कब्रस्तान दोस्त अपार्टमेंट तक लगने वाले तमाम मार्केट पर मनपा द्वारा कार्रवाई करके इन्हें यहां से हटा दिया गया है। सभी हॉकर्स अब इस प्रतीक्षा में हैं कि उनका रोजगार उन्हें वापस कैसे मिलेगा। मार्केट पर कार्रवाई के बावजूद छिटपुट धंधे यहां पर लग रहे हैं और इन धंधों से ठाणे मनपा तथा मुमरा प्रभाग कार्यालय द्वारा पद पद कर जो है ऑक्यूपेशन फी जो होती है, ऑक्यूपेशन फीस के नाम पर जो 10 रुपए 20 रुपए और उससे भी ज्यादा की जो रसीद काटी जाती है, वो रसीद पिछले 2-3 दिनों से बदस्तूर दी जा रही है। उसके वीडियोज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नशेमन तनवर नगर और उसके आसपास के पूरे इलाके में मनपा का ये कर्मी किस तरीके से रसीदें देकर हॉकरों को दे रहा है, पैसे ले रहा है। अब सवाल यह आता है नीति का, ये कैसी नीति है? रास्ता खुला चाहिए, ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, हॉकरों की वजह से ट्रैफिक होती है और उस वजह से ये मार्केट हटनी चाहिए। विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आवाड़ के रुद्रावतार के बाद और उनके गुस्सा होने के बाद मनपा ने फौरन एक्शन लेते हुए 2 दिन में इस मार्केट को, खास करके गुलाब पार्क मार्केट जो पक्की छपड़ियों के तहत बना हुआ था, उनको भी हटाया और उसके आगे के मार्केट परिसर को भी खाली करवाया। जब आपको मार्केट नहीं लगनी देनी है तो ये रसीदें क्यों दी जा रही है? क्या इसका जवाब मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा देंगे? और क्या इन दोनों से ये जो चल रहा है रसीदें देकर के पैसे लेने वाला काम, इस पर कोई सवाल विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आवाड़ करेंगे? माफ़ी आपकी हम तक नहीं जा रहा है।